हाँ जी दोस्तों, हुण असी नेक्स्ट वीडियो जिहड़ी आ बना रहे हाँ, ये आपां विन रैर बारे समझा रहे हाँ। बड़े ध्यान नाल सुनियो, ये बड़ी काम की वीडियो आ। इहदा बेसिक कॉन्सैप्ट कई बार बहुत सारे बच्चों को पता नहीं हुंदा, ठीक है जी। जदों इहदा पता लग गया तां तुहानूं बड़ा आसान हो जाऊगा इहनूं सीखना, इहनूं समझना। तां इक हुंदा जी जिप फॉरमैट, ZIP, जिप। जिप दा मतलब एक फाइल हुंदी आ जिहदी एक्सटेंशन हुंदी आ जिप, ठीक है जी। तां अपने कोल जिप बणदा किवें, मैं पहलां ये दिखाउंदा तुहानूं। देखो, मेरे को डेस्कटॉप ते एक स्टैटिक नाँ का फोल्डर पिया वा, ठीक है ना। इन मैं क्लिक करना, ये देखो कितनी बड़ी फाइलों ने, ये फोंट दी फाइलों ने, कोई भी फाइल हो सकती हैं। ये MS वर्ड की, पावरपॉइंट की, म्यूजिक की कोई भी फाइल हो सकती है, वीडियोस हो सकती ने। तो आ फोल्डर मैं जिप करना आ। देखो इन बड़ी फाइलों ने, जे मैं कितने अपलोड करनिया हो, कि मैं किसी को भेजनिया हो, तो मैं सारिया सारिया फाइलों भेजूंगा वारी वारी एक एक करके। तो असी इनू राइट क्लिक करके, ठीक है ना, इतने ऐड टू आर्चीव करांगे, तो ये एक ऑप्शन आऊगा जिप। हाँ देखो जिप आ गया, ठीक है जी। जिप नू करांगे तो इन्हें एक यदा पैकेज बना देना, आप एक पैकेज बनाता। हूँ एक फाइल बन गई है, सारी सारी एको फाइल बन गई, तो ये जिप बन गई है। तो इनू एक तरह ना पैक करके असी एक फोल्डर बनाता। हूँ इनू असी अपलोड कर सकते हैं ईमेल दे विच, जां व्हाट्सएप के थ्रू भी अजकल फाइल सेंड कर सकते हैं। तो हूँ एक फाइल ही सानू सेंड करनी पवेगी आ वाली, तो ना किसी भी सेंड कर सकते हैं। एक तरह ना असी एक पैक बनाता, ठीक है जी। हूँ अगली गल ध्यान ना सुनियो, हूँ जो असं इदा पैक बना दें, बाई डिफॉल्ट आ इस तरह का फोल्डर नहीं बनता हों जो हूँ बनया हुआ वा। ये क्यों बनया वा मेरे को, ठीक है जी, ये क्यों बनया वा इदा का फोल्डर? इस करके बनया वा क्योंकि मैं ये एक विंद रैर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ वा, ठीक है जी। विंद रैर का कि विन RAR, विंद रैर। तो हर एक विंडोज़ वाले PC में यह सॉफ्टवेयर की लोड़ लगभग होंगी आ। तो यह छोटा जहा 4-5 MB का सॉफ्टवेयर होगा, 7-8 भी हो सकता, ठीक है। 3.2 MB का लिखा हुआ सी। तो आज डाउनलोड करके अपने PC पा देना जे ये नहीं है। इनू पाने तो बाद जिन्ने भी तुहाडे कोल इहदा पैक्ड फोल्डर होणगे उन्हां दा इदां दी लुक आ जाऊगी, इसी तरह का फोल्डर बनिया आऊगा तुहानू। तां इह सॉफ्टवेयर बड़ा जरूरी है हर PC विच, जिहड़े नहीं हैगा इंस्टॉल कर लियो। तो कई बार असीं डाउनलोड भी करदे हां कोई फाइलां, ठीक है जी, डाउनलोड भी करदे हां, तां सानूं इदां दा पैकेज आ जांदा आ। तां उह पैक कीता होया पैकेज हुंदा वा, उहदे विच किन्नियां बड़ियां फाइलां हुंदियां ने, 5-7-10 किन्नियां भी हो सकदियां ने। तां उह पैक सानूं इदां दा नज़र आऊगा। तां हमेशा इदां दे पैक दे विच डबल क्लिक करके खुलता जांदा है, इदां खुल गया फिर इहदे विच चल गए असीं इदां आम करके करदे। पर इहनूं समझण दी लोड़ आ, सानूं समझ के काम करना। जो मैं की करता हूँ ना, वेदे ते गया, मैं राइट क्लिक करो, इनू एक्सट्रैक्ट कर दियो। हुण एक्सट्रैक्ट करन दे भी देखो तीन चीज़ तीन तरीके दस्से हुए आ, एक्सट्रैक्ट फाइल्स, एक्सट्रैक्ट हेयर, एक्सट्रैक्ट टू स्टैटिक। मैं आ करता हूँ ना एक्सट्रैक्ट टू स्टैटिक। इहदा मतलब की है, एक स्टैटिक नाँ का फोल्डर बना के उहदे विच सारियां फाइलां एक्सट्रैक्ट कर देवे। एक्सट्रैक्ट हेयर दे नाल की होगा, फोल्डर बन भी सकता नहीं भी बन सकता, ठीक है जी। तो इस करके हमेशा मैं तो यूज़ करना ताकि किसी होर फाइलों के फाइलों मिक्स ना हो जाए। मैं इतने क्लिक करना, ठीक है जी, ये हूँ ऑलरेडी स्टैटिक ना का फोल्डर इतने पिया ही होया, ठीक है ना जी। तो इतने वो ही फाइल आई, ये एक होर फोल्डर बन गया, देखो स्टैटिक, ठीक है जी। मैं इदा करना, ये वाला जो फोल्डर स्टैटिक दूँ, मैं करना डिलीट, शिफ्ट दब के डिलीट दबदा, परमानेंट डिलीट हो जाऊगा। तो हूँ मैं इतने करना राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट टू स्टैटिक, ठीक है जी। हुण एक स्टैटिक नाँ दा ने फोल्डर बनाया, इहदे विच फिर फोल्डर बनाता, क्योंकि फोल्डर तो ही, क्योंकि असी फोल्डर नूं ही पूरा जिप किया सीगा। तां मतलब इह सिक्योर मैथड आ, इहदे नाल शॉर्ट ही आ कि फाइलां किसी होर फाइलों के नाल मिक्स नहीं होणगियां, ठीक है जी। तो हमेशा मैं इदा यूज़ करदा, जे तुहानूं पता इहदे नाल फोल्डर बनता आ, फिर भावें एक्सट्रैक्ट हेयर कर दूँ, इहदे नाल इको फोल्डर के अंदर फोल्डर बन जूगा। तो आह चीज़ तुसीं बार बार ट्राई करनी आ, ठीक है ना। जिहड़ी चीज़ें मैं दस रहा, तुहानूं प्रैक्टिकल करके ही पता लगेगा, जिन्नी वारी करोगे उन्नी वारी तुहानूं क्लैरिटी आऊगी। तो हमेशा जिहड़ा पैक डाउनलोड असीं करदे हाँ, तो उहनूं एक्सट्रैक्ट करो, उस तो बाद जाके ही उहदे विच उहनूं ओपन करो, उस 'च काम करो, ताकि आ पैकेज पिया रहे। आ पैकेज का एक होर फायदा आ, जे पैकेज बना के असीं पेन ड्राइव फाइलां रखियां, तो उह पैकेज के अंदर वायरस जाते आ, बहुत घट खतरा आ, फाइलां लॉस्ट होने का घट खतरा आ। इस तरह सानूं नैट तो भी कई बार कोई सॉफ्टवेयर की कोई होर फाइलां सानूं जिप होकर मिलदियां ने, पूरा पैक जिहड़ा हुंदा वा वो जिप होकर मिलता वा, क्योंकि उहदे च ज़्यादा फाइलां हुंदियां ने, तां वो सिक्योर भी हुंदा साडे को। उहनूं इन जेकर अपने को डाउनलोड हुंदे आ, कई बार फाइलां मिसिंग होने के चांस घट हुंदे ने, तां पूरा पैक जदों साडे को आ जांदा तां वायरस होने के चांस घट हुंदे ने। तां इस तरीके नाल हुण पैक होया होया पैक नूं खोलण वास्ते सानूं
ਉਹ ਵੀ ਸਾ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਐਡ ਟੂ ਆਰਚੀਵ 'ਚ ਗਿਆ, ਐਡ ਟੂ ਆਰਚੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਪ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਰੈਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਰੈਰ 4 ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਪ ਤਾਂ ਬਾਈ ਡਿਫੋਲਟ ਵਿੰਡੋ ਦਾ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ ਪੈਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਪ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਪਾਇਆ ਵਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੈਰ ਵੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੈਰ ਕੀ ਆ, ਜ਼ਿਪ ਦਾ ਹੀ ਐਡਵਾਂਸ ਵਰਜ਼ਨ ਆ ਪੈਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਰੈਰ 4 ਕੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਵਰਜ਼ਨ ਆ ਪੈਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਪ ਵਿੰਡੋ ਦਾ ਬਾਈ ਡਿਫੋਲਟ ਆ ਮਾਈਕਰੋਸੋਫਟ ਵਿੰਡੋ ਦਾ, ਰੈਰ ਅਤੇ ਰੈਰ 4 ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਡਵਾਂਸ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏ ਨੇ ਪੈਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫੋਲਡਰ ਨੂੰ, ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਹ ਐਡਵਾਂਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿੰਡ ਰੈਰ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੈਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਸਵਰਡ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਪਾਸਵਰਡ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਭਰੇ ਬਗੈਰ ਨੂੰ ਓਪਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਸੈੱਟ ਪਾਸਵਰਡ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਦੋ ਵਾਰੀ ਪਾਸਵਰਡ ਸੇਮ ਭਰੋਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਸਵਰਡ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਜ਼ਿਪ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਰੈਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਜ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰੈਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਰ ਵਾਰ 2-4 ਵਾਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਜ਼ਿਪ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਾਈਲ ਓਪਨ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫਸਦਾ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਫਾਈਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿਪ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਵਾ, ਪਾਸਵਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਈਓ ਔਨਲਾਈਨ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਹੀ ਆ ਕਰਨੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਹ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਲਗਾਉਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ।